हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल बिजनेस मैनेजमेंट की यूनिट टू। हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस वीडियोस में हमने डिसीजन मेकिंग का पूरा प्रोसेस पढ़ा था, समझा था, और बाउंड्री रेशनैलिटी का कॉन्सेप्ट हमने समझा था, राइट। तो चैप्टर नंबर 9 हमारा पूरी तरह से खत्म हो चुका है। चैप्टर नंबर 10 हम शुरू करेंगे इस वीडियो के साथ, जो कि है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। यूनिट 2 ही हमारी कंटिन्यू होगी। जैसा कि मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूँ कि यूनिट 2 में काफी सारे चैप्टर्स हैं। यूनिट 2 खत्म करने के लिए हमें काफी सारे चैप्टर्स कवर करने हैं, राइट। तो चैप्टर नंबर 10 हमारा शुरू हो चुका है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस अभी तक नहीं देखी है तो उनको जाके देखें, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करें। फिलहाल इस वीडियो में हम जो पढ़ने वाले हैं वो है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का मीनिंग। हम इसका मीनिंग जानेंगे, एसेंशियल फीचर्स हम जानेंगे एमबीओ के। अब ये एमबीओ से आप कंफ्यूज मत होना, एमबीओ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव की शॉर्ट फॉर्म है, राइट। और कुछ बेनिफिट्स भी हम इसके आगे पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक जो हमें इस वीडियो में कवर करना है वो है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का मीनिंग। तो पहले इसको थोड़ा पढ़ते हैं। नंबर वन, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स एमबीओ इज अ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मॉडल दैट एम्स टू इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस बाय क्लियरली डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स दैट आर एग्रीड टू बाय बोथ मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज। ठीक, क्या कह रहे हैं ये, जो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव है एमबीओ जो है, ये एक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मॉडल है जिसका एम है इम्प्रूव करना ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को। आप अपनी परफॉर्मेंस कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, अगर आप एक बिजनेस चला रहे हैं तो आपको पहले पता होना चाहिए कि आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है, बाय क्लियरली डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स, ये आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको क्लियरली डिफाइन करेगा दैट आर एग्रीड टू बाय बोथ मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज, जिससे मैनेजमेंट भी पूरी तरह से एग्री होगा और एम्प्लॉयज भी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी, थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, हैविंग अ से इन गोल सेटिंग एंड एक्शन प्लान्स एनकरेजेस पार्टिसिपेशन एंड कमिटमेंट अमंग एम्प्लॉयज। तो जो एम्प्लॉयज वहाँ पर वर्क कर रहे हैं, अब जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको कौन अचीव करेगा, आप सब मिलके ही करोगे, ठीक है। आप एक पूरा एक टीम हो, जितने भी एम्प्लॉयज हैं, जितने भी मैनेजर्स हैं, वो पूरी एक टीम है, सब मिलके काम करेंगे, सबका पार्टिसिपेशन वहाँ पर होना जरूरी है और सबका कमिटमेंट वहां पर होना जरूरी है कि वो ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करेंगे ही करेंगे, एज वेल एज अलाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन। तो थ्योरी के अकॉर्डिंग जो गोल सेटिंग है और जो एक्शन प्लान्स है, ये सब चीजें वहां पर होनी चाहिए, ठीक है। आपके पास प्लान्स होने चाहिए, आपके ऑब्जेक्टिव्स पूरी तरह से डिफाइन होने चाहिए, ठीक है। ये एमबीओ जो है ये एनकरेज करता है उन लोगों को पार्टिसिपेट करने के लिए, उनकी कमिटमेंट को एनकरेज करेगा, ठीक है, जो भी इंप्लॉयज वहां पर वर्क कर रहे हैं, एज वेल एज अलाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स अक्रॉस दी ऑर्गेनाइजेशन। जो भी उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको एक स्ट्रेट लाइन में ये लगा देगा पूरा, ठीक है, पूरे एक सीक्वेंस में लगा देगा अक्रॉस दी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो सबको पता होगा कि उनको कैसे कैसे सारी चीजें करनी है, राइट। क्रिटिक्स ऑफ एमबीओ आर यू दैट इट लीड्स टू एम्प्लॉय ट्राइंग टू अचीव द सेट गोल्स बाय एनी मीन्स नेसेसरी ऑफन एट द कॉस्ट ऑफ द कंपनी। तो ये जो एमबीओ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मॉडल है, ये सारे एम्प्लॉयज को इस तरह से तैयार कर देता है कि वो जो भी उनके सेट करे हुए ऑब्जेक्टिव्स हैं वो उनको अचीव करते हैं, ऑफन एट द कॉस्ट ऑफ द कंपनी, जितनी भी कंपनी की कॉस्ट है, जितना उनका बजट है, उस पर्टिकुलर बजट के अंडर में ये उन सारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर देते हैं, राइट। तो ये था हमारा मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट से जो बातें आपको याद रखनी है वो ये है कि एमबीओ एक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मॉडल है जिसका एम है ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना, ठीक है, और ये उन सारे एम्प्लॉयज को एनकरेज करता है, उनकी कमिटमेंट को ये एक और ज्यादा एनकरेजमेंट देता है, ठीक है, जिससे कि वो जो भी उनके गोल्स हैं उनको वो अचीव कर सकें, जो भी उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव कर सके। एम्प्लॉयज के जो गोल्स हैं उनको सेट करने में एमबीओ उनकी हेल्प करता है, जो उनके एक्शन प्लान्स जो भी वो एक्शन प्लान लेंगे उसको चूज करने में एमबीओ उनकी हेल्प करता है। तो कुल मिला के ये इम्प्रूव कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को उनके ऑब्जेक्टिव्स क्लियरली डिफाइन करके और एम्प्लॉयज को एनकरेज करके, राइट। तो ये था हमारा एमबीओ का कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं, आगे है एसेंशियल फीचर्स ऑफ एमबीओ। तो एमबीओ के हम यहाँ पे कुछ फीचर्स पढ़ने वाले हैं। नंबर वन है फोकस ऑन गोल्स ऑन एंड देयर अचीवमेंट्स। तो जो एमबीओ है वो गोल्स पर फोकस करता है और अचीवमेंट्स पर फोकस करता है। इसको थोड़ा पढ़ते हैं। एमबीओ फोकसेस ऑन गोल्स एंड देयर अचीवमेंट्स, दे आर नॉट मेयरली ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स बट ऑल्सो द पर्सनल गोल्स ऑफ द मैनेजर्स एंड द एम्प्लॉयज। तो जो भी गोल्स हैं वो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स नहीं है, वो मैनेजर्स के भी गोल्स हुए और एम्प्लॉयज जो वहाँ वर्क कर रहे हैं उनके भी वो गोल्स हुए, ठीक है। तो इनका एक अटेम्प्ट रहता है, यहाँ पे लिखा भी है एन अटेम्प्ट इज मेड टू इंटीग्रेट बोथ द सेट्स ऑफ गोल्स। तो इनका एक अटेम्प्ट रहता है कि जो भी इनके गोल्स हैं, फिर चाहे वो मैनेजर के हो, फिर चाहे वो एम्प्लॉयज के हो, उसको वो बिल्कुल एक कर दें, ठीक है, उसको इंटीग्रेट कर दें, यानी कि एक कर दें उन सारे गोल्स को और उन सब गोल्स को एक करके उस पर वो फोकस करें, ठीक है। इससे क्या होगा, वहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा कि इसमें हमने ज़्यादा कुछ हमने मेहनत कर दी और इसमें हमने कम मेहनत कर दी, नहीं, वो सारे गोल्स को एक करके पूरी तरह से उस पर अपनी सारी अपने स्किल्स लगा देते हैं, उसको अचीव करने में अपनी पूरी मेहनत लगा देते हैं। दिस इज अ बिग स्टेप टूवर्ड्स इफेक्टिव मैनेजमेंट। तो ये एक बिग स्टेप रहता है टूवर्ड्स इफेक्टिव मैनेजमेंट। जब इस तरह से वो काम करेंगे तो एक इफेक्टिव मैनेजमेंट वहाँ पे अल्टीमेटली हो जाएगा, राइट। नंबर टू, इंटीग्रेशन ऑफ गोल्स। वही चीज यहाँ पर आ गई, उसको थोड़ा और इलेबोरेट कर दिया उन्होंने यहाँ पे कि उन गोल्स को वो इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है, एक एक साथ कर देते हैं और तब उनको देखते हैं और उस पर वो वर्क करते हैं।
एमबीयू ट्राइज टू रिलेट द लॉन्ग रेंज गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विद द शॉर्ट रेंज गोल्स, जो उनके लॉन्ग टर्म गोल्स हैं उनको वो शॉर्ट टर्म गोल्स के साथ रिलेट करते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को वो गोल्स ऑफ सोसाइटी, मतलब जो भी सोसाइटी की तरफ उनके गोल्स रहते हैं उससे वो रिलेट करते हैं। इन दिस वे एन अटेम्प्ट इज मेड टू इंटीग्रेट नॉट ओनली द वेरियस बस सिस्टम्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इंटरनली बट ऑल्सो द ऑर्गेनाइजेशन एज सच विद इट्स एक्सटर्नल एनवायरमेंट एंड विद द फ्यूचर। वो सिर्फ इंटरनली ही गोल्स को नहीं देख रहे हैं, एक्सटर्नली जो उनके गोल्स हैं, जो उनके सोसाइटी की तरफ उनके जो गोल्स रहते हैं या फिर जो भी उनके बाहर के गोल्स रहते हैं उनको भी वो साथ लेकर चल रहे हैं, और जो उनका फ्यूचर रहने वाला है वो सब चीज़ें वो साथ लेकर चल रहे हैं, साथ उनके गोल्स एक कर रहे हैं उन सारे गोल्स को और उस पर वो वर्क कर रहे हैं साथ में, राइट। नंबर थ्री, एम्फसिस ऑन रिजल्ट्स आल्सो, वो रिजल्ट्स पर भी ध्यान दे रहा है, ठीक है। एमबीयू का ये फीचर है कि वो रिजल्ट्स पर भी ध्यान देता है। एमबीयू प्लेसेस एम्फसिस नॉट मेरली ऑन गोल्स, जो एमबीयू है वो सिर्फ गोल्स पर फोकस नहीं करता, गोल्स पर ही ध्यान नहीं देता, बट ऑन इफेक्टिव परफॉर्मेंस एंड टेंजिबल रिजल्ट्स आल्सो। इफेक्टिव परफॉर्मेंस पे भी ध्यान देगा कि जो परफॉर्मेंस है, जो प्रोसेस पूरा चल रहा है गोल्स को अचीव करने के लिए, वो कैसा चल रहा है, वो परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, और टेंजिबल रिजल्ट्स आल्सो, जो रिजल्ट्स आए हैं निकल के वो कैसे हैं, उस पर भी वो पूरा ध्यान देगा। गोल्स एट एवरी लेवल आर सॉट टू बी ट्रांसलेटेड इनटू क्वांटिफिएबल एंड वेरीफिएबल एक्शन प्लान्स टू बी इंप्लीमेंटेड ऑन अ टाइम बाउंड बेसिस। जो गोल्स हैं हर लेवल पर उनको वो ट्रांसलेट करेंगे क्वांटिफिएबल और वेरीफाइएबल एक्शन प्लान्स में, ठीक है, टू बी इम्प्लीमेंटेड ऑन अ टाइम बाउंड बेसिस, जो टाइम बाउंड बेसिस में इम्प्लीमेंट किए गए होंगे उस तरह से। फिर वो अपना पूरा वो देखेंगे कि जैसे जैसे हमने सोचा था वैसे उस तरह से सारी चीज़ें चली या नहीं चली, क्या कमी रह गई, और अगर सब कुछ परफेक्टली हो गया तो अगली बार भी वो उस चीज़ को फॉलो करेंगे, ठीक है। नंबर फोर, अ डायनामिक एंटिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, द फिलॉसफी ऑफ एमबीयू व्यूज ऑर्गेनाइजेशंस एज डायनामिक एंटिटीज। अब देखो यहाँ पर क्या है, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो समय के साथ साथ कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस आएंगे, क्योंकि समय के साथ साथ क्या चेंज होंगी, सिचुएशंस, इन्वायरमेंट वहां पर चेंज होगा, ठीक है। तो उस इन्वायरमेंट के चेंजेस के साथ साथ बिजनेस में भी हमारे चेंजेस आते हैं, ठीक है। किसी चीज़ की डिमांड बिल्कुल घट सकती है, किसी चीज़ की डिमांड बिल्कुल बढ़ सकती है, ठीक है, कुछ भी वहां पर चीज़ें हो सकती हैं समय के बदलाव के साथ, ठीक है। तो जो फिलॉसफी है एमबीओ की वो क्या चीज़ देखती है, वहां पर कंसिस्टेंट अटेंशन दी जाती है उस बिजनेस को या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन को, टू रिफाइन मॉडिफाई एंड इम्प्रूव गोल्स एंड दी अप्रोचेस टू अचीव दैम ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस। तो अगर कुछ भी बदलाव आता है समय के साथ साथ, कुछ भी डायनामिक अगर ऑर्गेनाइजेशन हमारी रहती है, वहाँ कुछ भी ऐसी सिचुएशन आती है, ठीक है, तो उसके लिए एमबीओ पहले से ही कंसिस्टेंट अटेंशन देता है, उसको मॉडिफाई करता है, इम्प्रूव करता है अपने गोल्स को और अप्रोचेस को, और उन जो भी उनके ऑब्जेक्टिव हैं उनको वो अचीव कर लेता है। आगे देखते हैं, नंबर फाइव है प्रॉपर अथॉरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी एट ऑल लेवल्स। अब देखो यहाँ पर एमबीओ की वजह से क्या हो रहा है, प्रॉपर अथॉरिटी वहाँ पर मिल रही है, रेस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पर ले रहे हैं लोग, अकाउंटेबिलिटी मतलब अकाउंटेबल है वो उस चीज़ के लिए, ठीक है, हर लेवल पर। इसको थोड़ा पढ़ते हैं, इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज पॉसिबल व्हेन मैनेजर्स एट ऑल लेवल्स हैव द रिक्वायर्ड अथॉरिटी। एक इफेक्टिव मैनेजमेंट जो रहेगा ऑर्गेनाइजेशन का वो कब पॉसिबल है, जब एक अथॉरिटी रहेगी उन लोगों के पास हर लेवल पर, जो भी लोग वर्क कर रहे हैं लेवल पर उनके पास एक अथॉरिटी रहनी चाहिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी वो लें काम की, अकाउंटेबल हों वो काम के लिए, ठीक है, फॉर गेटिंग थिंग्स डन एंड फॉर प्रोड्यूसिंग रिजल्ट्स, रिजल्ट्स लाने के लिए, जो उनके एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैं उनको अचीव करने के लिए उनको ये सारी चीज़ें वहाँ पर होनी जरूरी हैं। और ये होती किस वजह से है, एमबीयू की वजह से ये सब चीज़ें पॉसिबल हो पाती हैं। एमबीयू प्रोवाइड्स फॉर सब्सटेंशियल ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी एंड पावर फ्रॉम अ स्मॉल ग्रुप ऑफ टॉप मैनेजर्स टू द लार्ज ग्रुप ऑफ सबॉर्डिनेट मैनेजर एंड सुपरवाइजर। वही चीज़ यहाँ पर लिखी है कि जो एमबीयू है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, वो प्रोवाइड करता है सब्सटेंशियल ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी एंड पावर फ्रॉम अ स्मॉल ग्रुप ऑफ टॉप मैनेजर्स, जो स्मॉल ग्रुप है टॉप मैनेजर्स का, उनकी पावर उनकी अथॉरिटी किसको वो देते हैं, टू द लार्ज ग्रुप ऑफ सबॉर्डिनेट, जो लार्ज ग्रुप है एक सबॉर्डिनेट्स का, मैनेजर्स का एंड सुपरवाइजर्स का उसको, ठीक है। तो एमबीओ ही प्रोवाइड करता है उनको अथॉरिटी और पावर, राइट। इट इज़ अ मीडियम फॉर रिलेटिव इक्वलाइजेशन ऑफ पावर अमंग मैनेजर्स। तो ये एक ऐसा मीडियम है जिससे इक्वलाइजेशन हम पावर का पावर दे सकते हैं मैनेजर्स को, सो दैट द साइकोलॉजिकल एंड सोशल डिस्टेंस अमंग देम इज मिनिमाइज। तो इससे क्या होगा, एक साइकोलॉजिकल और सोशल डिस्टेंस जो उनके बीच में है वो मिनिमाइज हो जाएगा, यानी कम हो जाएगा, एंड सो दैट कोऑपरेटिव टीम वर्क इज पॉसिबल, और तभी एक कोऑपरेटिव टीम वर्क वहाँ पर पॉसिबल हो पाएगा। तो ये कुछ फीचर्स थे एमबीओ के, आई होप आपको समझ में आए होंगे। आगे बढ़ते हैं इसके बेनिफिट्स, तो एमबीओ के बेनिफिट्स क्या हैं वो हम यहाँ पर समझते हैं। नंबर वन, इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन, बिकॉज ऑफ एमबीओ यहाँ पर कम्युनिकेशन काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुआ। कैसे, बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज, एमबीओ रिक्वायर्स कंटिन्यूअस टू वे कम्युनिकेशन टू मॉनिटर प्रोग्रेस टूवर्ड ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज के बीच में एमबीओ को जरूरत है, या फिर एमबीओ की रिक्वायर जो एमबीओ जो रिक्वायर करता है वो क्या है, कंटिन्यूअस टू वे कम्युनिकेशन टू मॉनिटर प्रोग्रेस टूवर्ड ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव्स उनके किस तरह से चल रहे हैं, क्या वो काम कर रहे हैं, ठीक है, जो उनका प्रोसेस पूरा चल रहा है उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, वहाँ पर टू वे कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है उन सारी चीज़ें मॉनिटर करने के लिए।
दिस प्रोवाइड्स न्यूमरस अपॉर्चुनिटीज टू क्लैरिफाई एनी एम्बिग्यूटीज रिगार्डिंग इंडिविजुअल रोल्स एंड एक्सपेक्टेशन एंड टू एडजस्ट ऑब्जेक्टिव इफ नीडेड. तो वहां पर अगर कुछ भी कमी ऐसी होती है, ठीक है, जो उन्होंने एक्सपेक्ट किया था लेकिन वो चीज़ नहीं हो रही है, कुछ गलत वहां पर हो रहा है, तो वो चीज़ वो सारी ठीक कर सकते हैं. कम्युनिकेशन इज की टू रनिंग एनी सक्सेसफुल बिजनेस एंड एमबीओ एस्टैब्लिशेस प्रोसेसेस टू एश्योर इट इज हैपनिंग. कम्युनिकेशन एक की है जब हम एक बिजनेस को सक्सेसफुल बना सकते हैं, एक इस चीज के लिए वो की है, ठीक है. कम्युनिकेशन इज की टू रनिंग एनी सक्सेसफुल बिजनेस एंड एमबीओ जो है वो एस्टैब्लिश करता है प्रोसेसेस, ठीक है, उन सारी चीजों को पॉसिबल बनाने के लिए ही एमबीओ बना है. अगर आपको कोई बिजनेस सक्सेसफुल बनाना है तो वहां पर एमबीओ उसके लिए बना है, उसको सक्सेसफुल करने के लिए, ठीक है. जो एमबीओ वो एस्टैब्लिश करता है प्रोसेस टू एश्योर इट इज हैपनिंग, ये एश्योरिटी वो आपको देता है, इतनी आपको वो निश्चिंती देता है कि ये जो आपने सोचा है वो चीज पूरी हो जाएगी, ठीक है. तो वो काम एमबीओ का है. नंबर टू है बेटर परफॉर्मेंस, ठीक है, परफॉर्मेंस काफी ज्यादा बेटर यहाँ पर हो जाती है. रिजल्ट्स फ्रॉम द मेन फोकस ऑफ एमबीओ, ठीक है, सेटिंग मेजरेबल ऑब्जेक्टिव्स एंड क्लियर प्रोसेस टू अचीव देम. जो एमबीओ है, अभी हमने पीछे क्या पढ़ा था एमबीओ के मीनिंग में, कि वो मेजरेबल ऑब्जेक्टिव सेट करता है, क्लियर प्रोसेस बना के देता है, ठीक है, उसको अचीव करने के लिए जो भी ऑब्जेक्टिव आपने सोचा है एक क्लियर प्रोसेस वो आपको देता है, ठीक है. द टू वे कम्युनिकेशन puts managers and employees are on the same page when planning operational processes and individual objectives. Two-way communication, यानी कि जो management है और जो employees हैं उनके बीच में पूरा communication होता है, ठीक है, जो भी उनके objectives रहते हैं, उनको कैसे क्या क्या उनके objectives हैं, कैसे उनको achieve करना है, वो सारी चीज़ें उनके बीच में communicate की जाती हैं, वो लोग communicate करते हैं एक दूसरे से. Every employee understands how their work contributes to the business and the goals they must meet to assure their own success and the company's success. हर एम्प्लॉय समझता है इस बात को कि उनका वर्क जो है वो पूरा कंट्रीब्यूट करता है बिजनेस के जो भी उनके गोल्स हैं, ठीक है, और उनके एफर्ट से ही वो सारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो सकते हैं और कंपनी की सक्सेस वहां पर हो सकती है, राइट. कंपनी की सक्सेस से ही उनकी सक्सेस है जो वहां पर एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं, और उन्हीं की सक्सेस से मैनेजर्स की सक्सेस है, तो सब चीज़ें एक दूसरे से मिली हुई हैं, ठीक है. एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, एमबीओ की वजह से एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो जाता है जो भी ह्यूमन रिसोर्स वहां पर रहता है उसका. इज इंपॉर्टेंट टू एवरी ऑर्गेनाइजेशन विद एमबीओ. एमबीओ से क्या हुआ, एम्प्लॉयज एंड मैनेजर्स कोलेबोरेट एंड असाइनिंग रोल्स एंड सेटिंग गोल्स. एमबीओ की हेल्प से जो एम्प्लॉयज हैं, जो मैनेजर्स हैं, वो कोलेबोरेट करते हैं असाइनिंग रोल्स, जो उनके स्किल्स के अकॉर्डिंग उनको काम दिया जाता है, और सेटिंग गोल्स, ठीक है. एज अ रिजल्ट बोथ साइड्स एश्योर दैट इंडिविजुअल टैलेंट्स आर अप्रोप्रिएट टू द टास्क एट हैंड एंड द मेजरेबल ऑब्जेक्टिव्स आर हाईली अचीवेबल. तो इससे क्या होता है कि हर हम उस व्यक्ति को वही काम दे रहे हैं जिस चीज में वो एक्सपर्ट है, ठीक है. ये किसकी वजह से हो रहा है, एमबीओ की वजह से. तो हर व्यक्ति को जब वही काम मिलेगा जिस काम में वो एक्सपर्ट है तो उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो जाएगा. आपको वही काम दिया जा रहा है जिसमें आप परफेक्ट हैं, जिसको आप पूरे दिन पूरी रात पूरे शिद्दत से कर सकते हैं, तो उसमें आपको कोई थकान भी ऐसी नहीं होगी कुछ खास, और आपका मन उसमें लगा रहेगा, ठीक है. आपका ऐसा नहीं लगेगा कि यार ये क्या मुसीबत मुझे पकड़ा दी. तो इससे क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्सेज का जो यूटिलाइजेशन वहां पर हो जाता है, ठीक है. आगे पढ़ते हैं. Through thoughtful matching of talents to task fosters success and utilizes human resource to maximum effect. तो इससे काफी ज्यादा अच्छा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि जो वर्कर्स हैं वो तो अच्छे से वर्क करेंगे क्योंकि उनको वही काम मिला हुआ जिसमें वो अच्छे हैं, ठीक है. और जब वो सारा काम अच्छे से कर रहे हैं, जो रोल्स उनको दिए गए हैं वो जब वो सही से निभा रहे हैं अपने काम को, तो एक अच्छा इफेक्ट पड़ेगा और देखने को हमें मिलेगा उस बिजनेस के अंदर, राइट. नंबर फोर है मोर इन्वॉल्वमेंट मोर कमिटमेंट, ठीक है. ज्यादा इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर उन लोगों की रहती है और ज्यादा उनकी कमिटमेंट वहां पर रहती है बिकॉज ऑफ एमबीओ, ठीक. एमबीओ रिक्वायर्स एवरी मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू बी इन्वॉल्व इन प्लानिंग एंड अचीविंग कंपनी गोल्स. हमने मीनिंग में पढ़ा था कि एमबीओ है वो हेल्प करता है उनको, एनकरेज करता है उनकी कमिटमेंट को, और ज्यादा एनकरेज करता है, ठीक है. तो हर मेंबर जो ऑर्गेनाइजेशन का है वो इन्वॉल्व रहे प्लानिंग में और कंपनी के गोल्स को अचीव करने में, ये एमबीओ का रोल रहता है, ठीक है, एक बिजनेस के अंदर. एवरीवन इज इन द लूप विच इम्प्रूव मोरल एंड कमिटमेंट टू द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. हर कोई जो भी व्यक्ति है वो काम में लगा हुआ है पूरे अपने पूरे मन से, ठीक है, जो इम्प्रूव करता है मोरल एंड कमिटमेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव. तो जब ये सारी चीजें वहां रहती है तो जो भी उनके ऑब्जेक्टिव रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो इजिली अचीव वहां पर हो जाते हैं, ठीक है. नंबर फाइव है मोर एफिशियंट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. एमबीओ की वजह से काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट स्ट्रक्चर हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है. एमबीओ इफेक्टिवली रिबिल्ड्स द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर सो दैट एवरीवन इज पुलिंग टुगेदर टुवर्ड क्लियर एंड कॉमन गोल्स रेदर देन पुशिंग इन डिफरेंट डायरेक्शन.
जैसे कि हमने पीछे पढ़ा और ऊपर वाले पॉइंट्स में भी पढ़ा कि जो एमबीओ है वो गोल्स को सेट करने में एम्प्लॉयज की हेल्प करता है, एम्प्लॉयज को एनकरेज करता है, ठीक है, उनकी कमिटमेंट को और ज्यादा एनकरेज करता है, राइट, उनको पूरा रास्ता दिखाता है कि उनको कैसे कैसे अपने गोल्स अचीव करने हैं, उनको पूरा साथ देता है वो उनके ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। तो जब एमबीओ की हेल्प से उनके सारे ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाते हैं, एम्प्लॉयज के, मैनेजर्स के, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव सारे अचीव हो जाते हैं, तो अल्टीमेटली जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो काफी ज्यादा एफिशिएंट हो जाता है, ठीक है। तो ये थे कुछ बेनिफिट्स या फिर कहें तो कुछ फायदे या फिर कहें कुछ एडवांटेजेस, किसी भी तरह से आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट। तो एमबीओ के कुछ हमने बेनिफिट्स यहाँ पर जाने और हमने यहाँ पे कुछ इसके फीचर्स जाने और एमबीओ का मीनिंग हमने इस वीडियो में जाना। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, आने वाली वीडियो में चैप्टर नंबर 10 जो कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव है इसको हम पूरी तरह से खत्म भी कर देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।